मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सत श्री अकाल रोजाना टाइम देखने वाले सारे श्रोतियों का मैं तरनदीप सिंह स्वागत करदा। कल तो किसानों का धरना दिता होया है मानसे ते अमृतसर दे विच। अमृतसर दे विच तां काफी दिक्कतां जो मुसाफरां नूं झलणे पे उत्थे ही मानसे दे विच अज दूजा दिन है धरना। अपनियां मंगां नूं लैके किसान अड़े हुए हैं। उन्हां दी मंग है कि जिहड़ी पराली आ पराली दा पंजाब सरकार अते केंद्र सरकार इसका हल कढ़न। इस तों बाद कल तो लैके अज तक लगातार धरना दिता जा रहा मानसे दे विच और उत्थे ही अमृतसर दे विच कल धरना दिता गया। किसानां दा इस बारे की कहना है आओ जानते हैं। की नाम है तुहाडा? मैं काका सिंह कोड़ा सूबा जनरल सकत्तर भारतीय सुनेता सिंह। अज तुसी मानसा दी तिनकोनी दे चौंक दे विच धरना लगाया होया हैगा। लोग बहुत परेशान हो रहे ने। सरकार कहिंदी असीं सब कुछ दित्ता हैगा पर तुसी फिर भी धरना ला रहे हो। सरकार दस दे किहड़े प्रेस च दे दे वी असीं आ कुछ देता किसानां नूं ते उह मैसेज चलिया जाणा लोकां कोले उहदी गल मन लैणगे वी हां भाई इह एवें बैठे ने। कणक दे बोनस ते साडियां तिन मीटिंगां हो गईआं सरकार मन्नी आ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਮਰਿਆ ਪਿਛਲੀ 2-4 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੰਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਵਹਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਵਾਹਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਿੱਕ ਮਾਜਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। मैं कहना भी सरकार ये दसे तो सही भी किसानों असी की दें। दूजी गल मिलों का साढ़े नाल वादा किया भी 5 तरीक नूं असी सारिया मिलों चला देंगे किसानों कोई दिक्कत नहीं आने देंगे जदों पर्चियां दे के गन्ने की पिटाई शुरू कर देंगे। अज सारिया मिलों बंद पईआं ने। दूजी गल जिहड़ी कह की रहे सानूं तां ये सवाल ही नहीं आता भी उहदी मंग ते 3 वारी मीटिंगां हो गईआं कल्ली कल्ली मंग ते डिस्कस हो गई मन लई बाहर आके कहना जी साडी बड़ी वधिया माहौल सरकार किसानां नाल गल हुई है असी मंगा मन लिया पर लागू कहड़ियां नहीं हुई असी कमले आ जिहड़े बैठे लोगों नूं सड़कां ते बैठे लोग परेशान हो रहे ने। लोग परेशान नहीं हो रहे लोगों दी तां मंगा ही ने। इह तां इक एवें सवाल बन जांदा लोग तां नाल बैठे ने लोग तां चाह पानी रोटी लैके लंगर रातां नूं बुढ़ियां साडियां इत्थे बंदे साडे इत्थे नौजवान इत्थे सड़कां ते पए ने। जे कोई इह गल लगदी होवे तां सवाल ऑटोमैटिक आ जाए आ जिहड़ी भारत माला निकल रही है ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦੇਣ ਬਈ ਆਹ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਆਹ ਮੰਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम गुरचरण सिंह भिखी सूबा प्रधान बीके जू मानसा पंजाब। गुरचरण जी अज तिनकोनी ते तुसी धरना लाया होया है मानसा दे विच काफी किसान इकट्ठे हुए हुए ने की कहना चाहोगे किन्ने दिन धरना तुहाडा? अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम है ये संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक वल्लों है। सारे पंजाब दे विच 6 पिंटां दे उत्ते असीं बैठे हां। साडा कोई शौक नहीं सड़कां रोकण दा पब्लिक नूं हरासमेंट करन दा साडी मजबूरी है क्योंकि 2-3 मीटिंगां मुख्यमंत्री नाल हो चुकियां ने और पिछली मीटिंग दे विच 42 मंगां दा चार्ट असी पेश कीता सी जिहदे तों 12 मंगां दे उत्ते विचार करके सहमती कीती गई और उहदे विचों 1-2 मंगां ने जिहड़ियां अधपचदियां लागू कीतियां ने जिवें जिहड़ी सिद्धी बिजाई ती जीरी दी उहदा 25 करोड़ बणदा मुख्यमंत्री कहिंदा वी 13 करोड़ असी पाता 12 करोड़ असी दे दांगे और मूंगी दे उत्ते जिहड़ा 72 सौ दा रेट दे के बिजाई गई पंजाब सरकार वल्लों बड़ी वड्डी पद्धर दा प्रचार करके उह वी मूंगी साडी 4-5 हज़ार नूं किसान तों खरीदी गई उहदी पूरी भरपाई करन वास्ते वी जिहड़ा वादा कीता सी उह अजे तक लागू नहीं कीता। सारिआं नालों वड्डी दुख दी गल है वी जिहड़ा आ नरमे दा मुआवजा लैण वास्ते असी बैठे हाँ पर सरकार इहदे उत्ते कोई आपदी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। दूसरा मुद्दा जिहड़ा साडे पंजाब दे विच पराली दा है पराली दे उत्ते पराली नूं अग ला के खेत अगली फसल की जिहड़ी बिजाई करनी है किसान ने उहदे खातर सानूं मजबूरी च अग लाउणी पैंदी है क्योंकि सरकारां कई सालां तों कह रहीआं ने वी पराली नूं किसान अग ना लावे ते होर किसान करे की बेचारा
वड्डे किसान ने जिहड़े ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਖਤੀ ਆ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ और बड़ी बड़ी पद्धर की मशीनरी स्टेट सरकार नू भारत किसानों सरकार देवे और जे बदले च जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हो प्रति क्विंटल 200 रुपया किसान नू दिता जाए तो भी किसान का कुछ ना कुछ आर्थिक पक्षों सहयोग मिल सकता है। इस करके जो पराली का मुद्दा है ये उत्ते सरकार नू सख्ती की बजाय और नरमाई धारनी चाहिए है। किसान के उत्ते कोई यह जहा मतलब कानून नहीं बनाना चाहिए जिहड़ा किसान परेशान हो भी आ डराया धमकाया जाता पराली के उत्ते जिहड़ा ये सरकार की नलेकी है असीं पुरजोर शब्दों के निंदा करते हैं और सरकार नूं कहने आ भी सरकार किसान नूं पराली लाउण तों सख्ती की बजाए और उन्हें प्रचारिया जाए और वड्डी पद्धर की रियलिटी है जिहड़ी मशीनरी के तौर पर दित्ती जाए तां जो आने वाले समय के विच पराली का जिहड़ा मुद्दा है ये खत्म हो सके।